Hey guys, welcome to my channel DIY with Pinks. और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वीडियो है बिकॉज मैं करने वाली हूँ एक पर्पल हॉल. मैं काफ़ी टाइम से पर्पल हॉल करना चाह रही थी और मैंने पर्पल से करी है बहुत सारी शॉपिंग जो कि आपको वन टाइम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अभी पर्पल बॉक्स नंबर वन अनबॉक्सिंग करूँगी और रेदर आफ्टर इसके मैं करूँगी पर्पल नंबर टू यानी कि पर्पल हॉल टू. तो चलिए देखते हैं कि मैंने फर्स्ट पर्पल हॉल में क्या मंगाया है. सबसे पहले तो गाइस इसमें मैंने मंगाया है ये स्टील कोकी का आई शेडो पैलेट है. ये बेसिकली स्मोकी आई शेडो पैलेट है, बी माय विंग आई शेडो पैलेट. आई लव दिस पैलेट. एक्चुअली जो मैंने कलर यूज़ कर रखा है यू कैन सी द सिल्वर वन, वो मैंने इसी पैलेट से ही यूज़ किया है. मैं आपको थोड़ा सा इसका ना टेक्स्चर दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं सिल्वर का ही दिखाऊंगी बिकॉज आई लव सिल्वर. ये आप देख सकते हैं, लुक एट द टेक्स्चर गाइस, लुक एट द टेक्स्चर. इट्स सो स्मूथ, इतनी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है और ये आपको परफेक्ट टेक्सचर देता है. एंड दिस पैलेट इज़ परफेक्ट फॉर स्मोकी आई लुक. ये है स्टे कर्की का बी माई विंक आई शेडो पैलेट जस्ट फॉर स्मोकी वन. आई लव दिस पैलेट गाइज, अमेजिंग. और इस पैलेट का प्राइस वैसे तो है 345, बट ये मुझे पर्पल में डिस्काउंट पर मिला है. ये मुझे मिला है 288 समथिंग का, ये मुझे मिला है. एंड आई लव दिस पैलेट. थर्ड एज जो मैंने मंगाया है, ये मैंने मंगाया है पर्ल का इल्यूमिनेटर मेकअप बेस. अगेन ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है एक दो बारी. आई लव दिस वन, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका भी कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है. ये मुझे पर्पल में डिस्काउंट में 188 का पड़ा है और ये 188 का पड़ा है ये मुझे, यस. और अगर मैं आपको इसकी टेक्स्चर की बात करूँ तो यू कैन सी कि एक पिंकिश टेक्सचर में है, एक पिंकिश है इसका टेक्सचर, जो कि आपको मेकअप लगाने से पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले आपके स्किन को एक परफेक्ट इल्यूमिनेटिंग ग्लो देता है. थर्ड मैंने इसमें मंगाया है माय फेवरेट. एक्चुअली मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं इसको काफ़ी टाइम से मंगाना चाह रही थी. काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मैं एक लिक्विड आई शेडो मंगवाऊँगी, ग्लिटर आई शेडो मंगवाऊँगी, सो आई विल ट्राई फर्स्ट. ये मैंने मंगवाया है ब्लू हेवन का. ये मैंने ग्लिटर आई शेडो मंगाया है, लिक्विड आई शेडो मंगाया है. अब चलिए देखते हैं इसका भी टेक्सचर कैसा है और ये लगाने में स्मूथ है या नहीं. वाओ, ये भी एक पिंकिश टोन में आया है. एंड सी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा है. ये बिल्कुल भी ऐसे क्या बोलते हैं, डस्टी सा नहीं लग रहा है. दिख नहीं रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना, ये देखो, ये है इसका टेक्सचर. अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं इसको ट्राई करूँगी और इसका मैं एक सेपरेट से इसका रिव्यू भी दूंगी. एंड थर्ड फोर्थ जो मैंने चीज़ मंगाई है गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट है. बड़ी क्यूरियस थी मैं इस लिपस्टिक को मंगाने के लिए. ये मैंने मंगाया है पर्पल का ही एक अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक कंसर्न नाइट कंपेनियन 8. ये इसका शेड है और इसका रेट मैं आपको, इसका जो प्राइस मैं आपको बता देती हूँ. मुझे ऐसे याद नहीं है कि इसका प्राइस कितना था, बट ये मुझे पर्पल में डिस्काउंट में 309 में मिला है. एंड लेट्स सी, अब मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ. लुक एट द कलर, परफेक्ट वाइन शेड कलर है. ये वाइन है, मरून है, इसमें पता नहीं लग रहा, बट जब मैं इसको लगाऊंगी इसका असली टेक्सचर मुझे तभी मालूम पड़ेगा कि ये क्या शेड है. बट फिलहाल तो ये मुझे वाइन लग रहा है. एंड दिस इज़ वाओ, सो स्मूथ, क्रीमी, बिल्कुल बटर जैसा है इसका ये टेक्सचर. एंड कलर इज़ परफेक्ट गाइस, यू कैन सी द शेड, लवली. अभी यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी तब भी इसका रिव्यू मैं अलग से ही करूँगी. और जो मैंने इसमें दूसरी लिपस्टिक मंगाई थी वो मैंने मंगाई है मेबलिन न्यूयॉर्क की इंटेंस क्रेयॉन मंगाई है मैंने, हाई कवरेज मैट फिनिश. ये ब्रिक शेड में मैंने मंगाया था, M308. लुक एट द कलर गाइस, ये इसका ये स्वॉच है एंड परफेक्ट टोमेटो रेड कलर. या लवली शेड, बहुत अच्छा लग रहा है. अभी मैंने इसमें से कुछ यूज़ किया नहीं है, जब मैं यूज़ करूँगी इनके अलग से आपको मैं एक रिव्यू ज़रूर दूंगी. और आप भी मुझे बताना कि आप इनमें से कौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं, किसका रिव्यू देखना चाहते हैं लिपस्टिक्स में. बट फिलहाल तो मुझे ये पर्पल वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. उसके बाद ना मैंने ये मंगाया था स्टे कर्की का ही लिप एंड चिक ब्लश. ये क्या था, वांट सम मूड गाइस, ये मैंने ऐसे फाड़ दिया है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. बट ये मजेंटा शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसा, बट ये कुछ खास नहीं लग रहा मुझे मजेंटा, ये इसका अच्छा नहीं है, थोड़ा शाइनी में आ रहा है. ये शेड है, ये
थोड़ा शाइनी में आ रहा है। बाकी जो इसका है ये चिक पे कैसा लगेगा आई डोंट नो, बट लिप पे भी मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा लगने वाला है, बट लगाने के बाद पता लगेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि दिखने में कैसा है और एग्जैक्टली लगाने में कैसा है ये। और फिर मैंने इसमें से मैंने और मंगाया था ये डर्म डॉग का स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट। इसका तो मैं रिव्यू अलग से करने वाली हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे कि ये फेशियल कैसे काम करता है, क्या ये अच्छा काम करता है, क्या ये ब्लेमिशेस वगैरह सच में टैन रिमूवल किट है ये। तो देखते हैं इसको यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू करूँगी मैं अलग से, कि इसका फर्स्ट रिव्यू करूँगी मैं, इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। तो ये है डर्म डॉग का ही ब्राइटनिंग फेशियल किट। और उसके बाद गाइस मैंने मंगाया है ये स्टे कर्की का ही आई प्राइमर। स्टे कर्की का आई प्राइमर है ये भी मेरा फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मैं इसको। मुझे नहीं पता ये, देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। ये दिखने में कुछ ऐसा जेल सा है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका, जैसे प्राइमर्स के होते हैं कि हमारी स्किन को स्मूथ कर देते हैं, सेम वैसा ही है। नाइस, अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं इसका लगाने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और फिर मैंने मंगाया है गुड वाइब्स का लिप स्क्रब। ये है कोकोनट लिप स्क्रब। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा वाले पसंद है, मेरे पास बहुत ज़्यादा रेंज है गुड वाइब्स की। एंड गाइस वाओ अमेजिंग, इसने तो वन यूज़ में ही मेरे सारे जो मैंने शेड वगैरह लगाए थे इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसमें कोकोनट के जो गुड स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसमें कोकोनट की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा लग रहा है। बाकी यूज़ करने के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्टली कैसा काम करता है। एंड गाइस लास्ट मैंने इसमें मंगाया है ये एक है बेला वोस्टे का ही मैट लिप क्रेयन। ये शेड मैंने गाइस लगा रखा है, कैन यू सी दैट, इतना अच्छा शेड मैंने नहीं सोचा था कि ये निकलेगा गाइस, ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। ये है इसका शेड, ये अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैट फिनिश है, प्लस ये प्रॉपर मैट है गाइस, मैट लिप क्रेयन है, यस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस 188 है, ये मुझे डिस्काउंट में मिला है, वैसे ये 200 समथिंग का था पर्पल में। और लास्ट एक और चीज़ है मैंने मंगाया है इसमें स्विस ब्यूटी का ये लिप सेटिंग मैट 203 हेजलनट। ये इसका शेड है, ये एक न्यू शेड है, डेली वेज में हम इतने डार्क शेड नहीं पहन सकते, नहीं वेयर कर सकते, इसलिए मैंने एक लाइट शेड भी परचेज किया था ब्लू उसमें से। ये है स्विस ब्यूटी का ही। एंड सी द टेक्सचर गाइस, सी द स्वॉच ऑफ दिस लिपस्टिक, अमेजिंग टेक्सचर एंड सो स्मूथ एंड ग्लोसी टू एंड प्लस मैट, अमेजिंग। सो गाइस ये था मेरा फर्स्ट पर्पल हॉल, और जो मैंने बाकी चीज़ें मंगाई हैं वो मैं पर्पल सेकेंड हॉल करूँगी पर्पल का ही। सो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी ये परचेजिंग अच्छी लगी है आप मुझे ज़रूर बताने कि आप किसका या फिर कौन से प्रोडक्ट का आप एक बार रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर 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 मुझे कमेंट डाउन करिए। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।